टॉप 81 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि 1 अगस्त 2018 से लेकर 12 अगस्त 2018 तक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हमने इस सेशन में लाया है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल और बाकी अदर एग्जामिनेशन जैसे रेलवे जो अभी चल रहा है उसमें नहीं बल्कि ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी इस करंट अफेयर से अपडेटेड जरूर रहिएगा क्योंकि आपको इन सभी क्वेश्चन से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी का जो करंट अफेयर सेशन हमारा जो होता है उससे कितने क्वेश्चन रेलवे एलपी में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जामिनेशन में। तो इसमें हमने 81 क्वेश्चन शामिल किया है, तो देखते हैं 81 में कितने क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर रखा है, कितने अपडेटेड क्वेश्चंस आपके माइंड में है। तो जल्दी से आप सेशन को ज्वाइन कीजिए और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है। और आप सबको मात्र 5 सेकेंड से 10 सेकेंड मिलेगा एक जवाब के लिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। और मैं बता दूं आपको कि आप हमारे जो वेबसाइट है www.gksansar.in उस पर भी जाके आप वहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने नोटबुक में मेंशन भी कर सकते हैं। और आप हमें अनअकैडमी में फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से लिंक के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग स्पेशली सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमें अनअकैडमी पर जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर हर टॉपिक से रिलेटेड जल्द ही मटेरियल्स प्रोवाइड करवाई जाएगी, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर जुड़िएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो सेशन को लाइक कीजिए। तो चलिए आई थिंक आप सभी ने ज्वाइन कर लिया है और सेशन को लाइक भी कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। बीएस नायपॉल जिसका हाल में देहांत हो गया, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की है? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1, 3 और 4, यानी अ हाउस फॉर मिरर, मिस्टर विश्वास, उसके बाद इन अ फ्री स्टेट और अ बेंड इन द रिवर जो है ये किसकी रचना है? ये वीएस नायपॉल की है। और द आर्गुमेंटेटिव इंडियन जो है ये अमर्त्य सेन का है। और अमर्त्य सेन को आप सभी को पता है इकोनॉमिक्स का क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू है, 12 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक की 99वां जन्मदिवस मनाया गया है? कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका 99th बर्थडे मनाया गया है 12th ऑफ अगस्त यानी आज? तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस लाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन सभी क्वेश्चंस से अपडेट जरूर रहिएगा। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमें जरूर बोलिएगा, उसका पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर जल्दी से दीजिए। तो इसका मिला जुला आ रहा है तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो होगा, देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए होगा, विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई का आज 99वां बर्थडे मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन पे रहा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में प्रथम चरण में 3 जगहों पर वाटर एरोड्रोम स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यह 3 जगह कौन कौन से हैं? तो जल्दी से इसका जो आपको लगता है जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4, यानी चिल्का झील, उसके बाद होगा आपका सरदार सरोवर बांध और साबरमती नदी। ठीक है, इन तीनों जगह पर प्रथम चरण में होगा। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा, छड़ी मुबारक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन रेलवे एलपी में बन रहे हैं तो आप इन्हें जरूर अपने माइंड में अपडेट कर लीजिएगा। क्या होगा फोर का करेक्ट आंसर? सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर का? तो फोर का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे मेंशन है, डी अमरनाथ गुफा यात्रा से संबंध रखता है आपका छड़ी मुबारक। क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा आपके स्क्रीन पे, केरल के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ से राहत हेतु
दक्षिण नौसैनिक कमांड ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या होगा 5 का सही जवाब? आप सब जल्दी से इसका आंसर फिट कीजिए। लगता है आप सभी इन सभी क्वेश्चन से अपडेटेड नहीं हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन मदद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संयुक्त रूप से जारी होने वाली डाक टिकट पर किनका चित्र है, किनका पिक्चर लगाया गया है? क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब जल्दी से दीजिए। तो सही जवाब होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, दीन दयाल उपाध्याय एवं ओलिवर रेनबो टेम्बो का इस पे पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में पूछा गया था अब, और इसके साथ साथ करप्शन में पूछा गया था। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? तो 7 का सही जवाब देख लीजिए, ये होगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 57 रैंक है। क्वेश्चन नंबर 8, बीबीसी के एक सर्वे में इतिहास की सर्वाधिक प्रभावशाली महिला का खिताब प्राप्त हुआ है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब जल्दी से बताइए। तो 8 का करेक्ट आंसर जो होगा, आप देख सकते हैं यहां पे हमने मेंशन कर रखा है, ऑप्शन सी। ठीक है, मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा, विक्रम साराभाई जिनकी 99th जन्मदिवस 12 अगस्त 2018 को मनाया गया, किससे संबंधित, जो इनसे जो संबंधित कथन है उस पर विचार कीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा जल्दी से बताइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। ठीक है, यानी वे इसरो के प्रथम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, साथ ही साथ उन्होंने 1966 में पद्म भूषण से और 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित इन्हें किया गया था। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, हाल की एक अध्ययन के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 10, तीन का सही जवाब क्या होगा? तो 10 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए, स्कर्व टाइफस। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए, विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे एसएससी सीजीएल और रेलवे ग्रुप डी में भी, हो सके तो ये करंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपको रेलवे एलपी में पूछा जा सकता है आने वाले जो शिफ्ट है उसमें। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 10 अगस्त। थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड किया कीजिए आप सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एनआरआई पति द्वारा प्रत्येक महिलाओं को विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को 3,000 USD यानी US डॉलर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? पहले 3,000 मिलता था, अब कितना यूएसडी किया गया है, कितना यूनाइटेड स्टेट डॉलर किया गया है? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है, $5,000, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा $4,000, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में कितने आधुनिक जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की है? क्या होगा 13 का सही जवाब? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण, वन्यजीव, वन और तटीय जोन अनुमति के लिए कौन सा एकल विंडो वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? और एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल के लिए, 14 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है, आयुषी गुप्ता ने दिया है, परिवेश। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के उपसभापति चुने गए श्री हरिवंश किस राजनीतिक दल के राज्यसभा के सदस्य हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट है, आप सभी को पता है। तो हम वैसे क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो कि 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के जो भी घटनाक्रम है उस पर आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसी को हमने इसमें शामिल किया है। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जदयू यानी जेडीयू। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस जगह पर 10 अगस्त 2018 को एक जिला एक उत्पाद बैठक का उद्घाटन किया? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुश्री मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ग्रासेस जिन्होंने हाल में भारत की यात्रा की तो हाल में किस पद पर निर्वाचित हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा 17 का सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब है 73वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुनी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। उत्तर प्रदेश के रक्षा विनिर्माण कॉरिडोर के लिए 6 नोडल बिंदुओं का चयन किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन उन नोडल बिंदुओं में शामिल नहीं है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इसमें शामिल नहीं है? तो 4 यहां पे आपको दिए गए हैं, 4 में से एक जो ऑड है उसे आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को देखा है तो आसानी से इसे टिक आउट कर लेंगे। तो 18 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, देखिए अभी किसी का सही जवाब नहीं आया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, जिन लोगों ने सी टिक किया है उन सभी का जवाब सही है। देखिए 6 रक्षा गलियारा जो बिंदु है उसमें आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी शामिल है, लेकिन वाराणसी जो है इसमें शामिल नहीं है, इस वजह से करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस की डैम श्योर किस क्वेश्चन को पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है और सभी ने सही जवाब दिया है, रेखा शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, एम करुणानिधि कितने कार्यकाल के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं तमिलनाडु के? क्वेश्चन नंबर 20, का बी बिल्कुल सही जवाब है, 5 बार करुणानिधि जो हैं रह चुके हैं तमिलनाडु के सीएम। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। इवान ड्यूकू किस देश के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए हैं? और इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि इंटरनेशनल जो न्यूज होते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो 21 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, प्रीतम ने दिया सबसे पहले तेज जवाब, कोलंबिया इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस उच्च न्यायालय ने 8 अगस्त को भिक्षावृत्ति और गैर आपराधिक करार दिया है? जो भिक्षावृत्ति है उसे गैर आपराधिक करार दिया गया 8 अगस्त को, वह किस उच्च न्यायालय ने दिया है? कौन सा हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का?
बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, काजल सिंह ने दिया है सबसे तेज जवाब, साथ ही साथ ईश्वर ने भी सही जवाब दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कर्नाटक में फॉल आर्मी वॉर्म नामक आक्रामक कीट की उपस्थिति के प्रति चेतावनी जारी की है। वर्ष 2016 में इस कीट ने अफ्रीका में किस फसल को बर्बाद किया था? अभी देखिए हमारे देश में इसका वार्निंग जारी किया गया है, उसके पहले 2016 में इस कीट ने काफी तबाही की थी, काफी फसल बर्बाद किया था, वो किया था कहाँ, अफ्रीका में, तो वह किस फसल को बर्बाद किया था? क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 का करेक्ट आंसर जल्दी से दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिन लोगों ने ऑप्शन डी को टिक किया है, मक्का, बिल्कुल सही है। देखिए यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का कीट है, इंसेक्ट है, जिसने 2016 में अफ्रीका के मक्का के जो फसल है उसे बर्बाद कर दिया था, और एशिया में पहली बार यह जो कीट है वो कर्नाटक में पाया गया है, हमारे देश में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, मसानजोर बांध को लेकर हाल में किन दो राज्यों के बीच विवाद सामने आया है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मसानजोर बांध जो है वह कौन से राज्य के बीच एक विवाद का कारण है, तो आपको यहां से दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 24 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए जो मसानजोर जो बांध है वो झारखंड में है, ठीक है, कहाँ है आप इसे नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, मसानजोर बांध जो है वो झारखंड में है और झारखंड का जो दुमका जिला है वहां पर स्थित है, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार है उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इस बांध को हाल में तृणमूल यानी जो वहाँ का टीएमसी जो पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो झंडे का रंग है उसी के रंग में रंगे जाने के पश्चात यह विवाद सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत पेट्रोलियम के किस रिफाइनरी के हाइड्रो क्रैकर में 8 अगस्त 2018 को विस्फोट के पश्चात लगी आग में 40 लोग घायल हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, 25 का करेक्ट आंसर जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो 25 का देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब आया है और सबसे तेज जवाब आया है संजीव कोटी का, इसका करेक्ट आंसर होगा माहुल, सॉरी उनका भी गलत जवाब है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा माहुल रिफाइनरी। और ये रिफाइनरी है कहाँ, तो ये मुंबई में है और चेंबूर में स्थित है बीपीसीएल रिफाइनरी, और यहाँ पे 8 अगस्त को विस्फोट लगी थी, उसके पश्चात आग लग गई थी और 40 लोग घायल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, इंदिरा कृष्ण मूर्ति नुई ने हाल में ही पेप्सिको के सीईओ पद से त्याग पत्र दे दिया, वे किस वर्ष इस कंपनी के सीईओ बनी थी? अभी तो उन्होंने सीईओ के पद से रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया है, लेकिन किस वर्ष उन्होंने ज्वाइन किया था एज ए सीईओ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडियन है तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 2006 में ज्वाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, विश्व का प्रथम प्रवीण निर्मित उच्च ऊर्जा भंडारण उपकरण का अनावरण 6 अगस्त 2018 को कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 27, ट्वेंटी सेवन का सही जवाब क्या होगा? देखिए जो भी आप क्वेश्चन मेंशन करते हैं उसके साथ साथ ऑप्शन भी मेंशन कीजिए, और अगर ऑप्शन आप सिर्फ फिट करते हैं तो उसके साथ साथ आप ऑप्शन को भी क्वेश्चन के साथ मेंशन किया कीजिए। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमरावती। देखिए जो भारत इनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा डेवलप किया गया उपकरण है, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो राजधानी है अमरावती वहां पर स्थापित किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एचआईवी के मामले में कौन से तीन पूर्वोत्तर राज्य नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं? 28 का करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल नवी गुप्ता ने सबसे तेज जवाब दिया, ऑप्शन बी, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, किस देश में 8 अगस्त 2018 को
1888 विद्रोह की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी 8888 विद्रोह की 30वीं वर्षगांठ कौन से देश में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 काफी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 29 का, और सबसे तेज जवाब जो आया है देख लेते किसका है, वो आया है आपका संजीव कोटी का। इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार, ठीक है, म्यांमार इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसके पीछे जो रीजन है मैं बता दूं आपको कि 8 अगस्त 1988 को म्यांमार जो है लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसीलिए इसे 8888 आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान अनुच्छेद 35A को लेकर सुनवाई चल रही है, इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो दो चीजें यहां आपको क्लियर होंगी कि अनुच्छेद 35A किस लिए है, और इस पे जो अभी चल रहा है जो सुनवाई चल रहा है वो किस लिए चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, राज्य का अस्थायी निवासी निर्णय करने का राज्य विधानसभा का अधिकार, और ये एनआरसी के बाद ऐसा मामला उठा है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, किस देश की कैबिनेट ने जानबूझकर सड़क दुर्घटना में मौत की पुष्टि हो जाने पर मृत्युदंड देने संबंधी कानून को 6 अगस्त 2018 को मंजूरी दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल न्यूज है, तो आप सभी को इससे अपडेट रहना चाहिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। 31, तो 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ कि दो लड़कियों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, और उसके बाद वहां पे बहुत भारी विरोध प्रदर्शन होने लगा, उसको देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने सड़क दुर्घटना में जानबूझकर जो मौत होगी और पुष्टि हो जाती है मौत की, तो उस पर मृत्युदंड देने संबंधी प्रावधान को मंजूरी दे दी है। और आप सभी को पता है कि बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो ढाका है, और जो करेंसी चलता है वो चलता है टाका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, सऊदी अरब ने किस देश के राजदूत को 6 अगस्त को निष्कासित कर दिया है। सऊदी अरब के द्वारा किस देश के राजदूत को 6 अगस्त को निष्कासित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल सही जवाब है कनाडा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, जोएल राबुकॉन का 73 वर्ष की आयु में 6 अगस्त 2018 को देहांत हो गया, वह क्या थे। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा, आ चुका है और सबसे तेज जवाब आया है चांदनी जैन का, करेक्ट आंसर होगा विश्व प्रसिद्ध सेफ थे जोएल राबुकॉन, और इनकी 73 वर्ष की आयु में 6 अगस्त 2018 को निधन हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चीन ने 6 अगस्त 2018 को परमाणु युद्धास्त्र ले जाने में सक्षम पहले हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया है, इसका क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया है, और इस क्वेश्चन से आप अपडेटेड होंगे, तो इसका क्या होगा सही जवाब जल्दी से बताइए, क्या होगा 34 का करेक्ट आंसर। तो 34 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, और सबसे तेज जवाब जो आया है इसके लिए वो है लोकेश चंद्रा का, और उसके बाद आयुषी गुप्ता ने भी दिया है, जिंग कॉन्ग 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए चाइना की बात आ रही है, तो चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है, सबसे बड़ा सिटी अगर चाइना की बात करें तो शंघाई है, जो करेंसी चलती है वो रेनमिनबी और युआन चलता है, और वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। तो इन सब चीज़ों से अपडेट जरूर रहिएगा, क्योंकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार संसद के मानसून सत्र 2018 को किस रूप में याद रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 का सही जवाब क्या होगा, 35 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, आदर्श मिश्रा ने सबसे तेज जवाब दिया है, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय सत्र इसको दिया गया है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए मानसून सत्र में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, और उसके साथ ही साथ एससी एसटी संशोधन विधेयक पारित होने के बाद
उसी के कारण प्रधानमंत्री ने इसे सामाजिक न्याय सत्र करार दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के अनुसार संसद के मानसून सत्र 2018 को किस रूप में याद रखा जाएगा, तो सामाजिक न्याय सत्र। और सामाजिक न्याय सत्र क्यों कहा गया, उसके पीछे रीजन है कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा और SC ST संशोधन जो विधेयक है उसको पारित होने के कारण ऐसा नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36, बोको हराम किस देश में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 36, का डी बिल्कुल सही जवाब है, नाइजीरिया का सक्रिय आतंकवादी है बोको हराम। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य ने अपशिष्ट प्लास्टिक PET बोतल की पुनः खरीद की स्कीम लागू करने की घोषणा की है। क्या होगा 37 का सही जवाब। तो 37 का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 38, विराट कोहली भारत के सर्वाधिक रैंकिंग वाले टेस्ट बल्लेबाज हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट रैंकिंग में 5 अगस्त 2018 को उनका कितना पॉइंट था, जहां अब तक कोई भारतीय नहीं पहुंच सका है। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सही जवाब लोकेश चंद्र कुरे ने दिया, सबसे तेज जवाब 934, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। स्पेन में आयोजित कॉटिफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान 5 अगस्त 2018 को अपने अंतिम मैच में किस देश को पराजित कर भारत की अंडर 20 फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया। तो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को हराकर भारत ने इतिहास रचा है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। निम्नलिखित में से किस टीम ने महिला विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट 2018 जीता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब लोकेश चंद्र कुरे ने दिया है, नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और नीदरलैंड का कैपिटल कहां है फ्रेंड्स, जल्दी से आप बताइए, नीदरलैंड का कैपिटल कहां है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। नीदरलैंड का कैपिटल कहां है, एम्स्टर्डम इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट शक्ति के तहत राइज क्रीक नामक उद्योग आधारित माइक्रो प्रोसेसर चिप विकसित किया है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइज क्रीक जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, और इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया है, तो क्या होगा इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। इसे आप नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, और बहुत कम लोगों का इसका सही जवाब आया है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 6 अगस्त को किस राज्य विधानसभा की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर लोकतंत्र का त्यौहार का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल सही जवाब है केरल विधानसभा। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ के जो CM है वो पिनाराई विजयन है, और केरल को बहुत से उपनाम से जाने जाते हैं, जैसा आप सभी को पता भी होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ कोकोनट और गॉड ऑन लैंड भी कहा जाता है केरल को, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाल में खबरों में रही प्रोजेक्ट मौसम किस मंत्रालय की परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा सही जवाब, तो 43 का सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय।
देखिए, प्रोजेक्ट मौसम जो है संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है और जिसका क्रियान्वयन जो होगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। हाल में हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला का आयोजन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा इसका सही जवाब? 44 का बिल्कुल सही जवाब है चंबा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 45। वर्ष 1954 में स्थापित ललित कला अकादमी का 64वां स्थापना दिवस 6 अगस्त 2018 को मनाया गया। ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 का सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उस वक्त इन्हीं के द्वारा ललित कला अकादमी का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने डी को टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 46 पे आते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्टेट एनर्जी प्रिपेंडेंस इफिशियंसी इंडेक्स में किस राज्य को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 का सही जवाब क्या होगा? तो 46 का रामानुज सिंह ने सबसे तेज जवाब दिया, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश है, लेकिन कहां शिफ्ट हो रहा है? अमरावती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। किस राज्य सरकार ने मानव जानवर संघर्ष को राज्य आपदा प्रत्युत्तर निधि के तहत आपदा की श्रेणी में शामिल किया है? क्वेश्चन नंबर 47। 47 का सही जवाब क्या होगा? तो 47 का करेक्ट आंसर आ चुका है और सबसे तेज जवाब दिया है संदीप मौर्या ने। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा क्या है, विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों का सबसे बड़ा यहाँ पे सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें यहीं पे हैं उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। 1 अगस्त 2018 को नॉर्थ किवू में इबोला वायरस के संक्रमण की घोषणा की है, यह किस देश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा? 48 का सही जवाब, तो 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीपीआर कांगो। तो जिन लोगों ने सी टिक किया है बिल्कुल सही है। 49 रिपोर्टर अ मेमोआर के लेखक कौन है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। 49 का सही जवाब क्या होगा? तो 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेमोर हर्ष। आप याद रखिएगा, आ मेमो आर के लेखक हैं सेमोर हर्ष। क्वेश्चन नंबर 50। बांग्लादेश में अगस्त 2018 के प्रथम सप्ताह में देशव्यापी छात्र छात्राओं के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा क्या था? अगर थोड़ा सा भी आपने देखा होगा ध्यान से इस सेशन को, तो मैंने इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप आसानी से इसे टिक आउट कर लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सड़क सुरक्षा। बिल्कुल सही जवाब दिया है काजल सिंह ने। देखिए, तेज गति से आती बस से दो दो छात्राओं की जो डेथ हुई थी, मर गए थे, उसके बाद यह बांग्लादेश में छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद सरकार ने इसके प्रति जवाबदेही तय की और जो जानबूझकर एक्सीडेंट करेगा उसे मृत्यु दंड दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का संयुक्त उद्याभ्यास मैत्री 6 अगस्त को आरंभ हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि मैत्री जो है युद्धाभ्यास इन कौन से दो देशों के बीच में आयोजित हुआ और कब से शुरू हुआ, तो ये 6 अगस्त को आरंभ हुआ। तो यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसका क्या होगा सही जवाब जल्दी से बताइए। तो 51 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। जिन लोगों ने ऑप्शन डी को टिक किया है उन सभी का जवाब सही है, थाईलैंड के साथ। देखिए, जो मैत्री है युद्धाभ्यास संयुक्त मैत्री जो अभी अभ्यास हुआ है इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ है और इसका शुरुआत जो हुआ वो हुआ 6 अगस्त को। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 52, हाल में किस मंत्रालय द्वारा भूमि राशि नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? थोड़ा फास्ट जवाब दीजिए क्योंकि अभी हम लोग 52 में हैं, 81 क्वेश्चंस हमने आप सभी के लिए लेकर आया है। 52 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राज्य के कड़कनाथ चिकन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो है वो किसे दिया गया है, कौन से राज्य को? हमने आपको बताया है, अगर आपने हमारा सेशन देखा हो करंट अफेयर्स का, तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया आप सभी के लिए। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। ठीक है, और मध्य प्रदेश का आपको पता होगा कैपिटल है भोपाल, और यहाँ की जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और जो गवर्नर है वो कौन है पता होना चाहिए आप सभी को, आनंदीबेन पटेल। 54, सभी प्राणियों में पाई जाने वाली फॉक्सपी 2 जीन का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 54, का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया है बोली से, उन सभी का जवाब सही है। 55 पे आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य के समुद्र तट पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर यानी जैली जैसी समुद्र प्रजाति है देखे जाने के पश्चात लोगों को तट पर नहीं जाने का सलाह दिया गया है, कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 55, बिल्कुल सही जवाब आदर्श मिश्रा ने दिया है, गोवा इसका सही जवाब होगा। देखिए गोवा के बागा समुद्र तट जो है वहां पे पुर्तगीज मैन ऑफ द वॉर देखा गया, जिसे ब्लू बॉटल या फ्लोटरिंग ट्रेलर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें आप याद रखेंगे, ब्लू बॉटल किसे कहा जाता है, तो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, विराट कोहली ने एक देश को छोड़कर सभी देशों में टेस्ट मैच में शतक बनाया है, वह कौन सा देश है जहां उन्होंने कोई टेस्ट शतक नहीं लगाया है? फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा देश है जिसके खिलाफ हमारे देश के जो कैप्टन है, क्रिकेट कैप्टन जो है, उनके द्वारा कोई सेंचुरी नहीं लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, तो 56 का जिन लोगों ने बोला है ए बांग्लादेश, उन सभी का जवाब सही है। देखिए विराट कोहली ने बांग्लादेश के जो टेस्ट मैच है बांग्लादेश में अभी तक एक भी शतक नहीं लगाया है, और अभी तक वहां उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है, आप इसे भी मेंशन करेंगे अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 57, येरुकाला नामक जनजातीय समुदाय का मुख्य आहार चमगादड़ का मांस है, यह जनजाति समुदाय किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 57, का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया है गुड्डू यादव ने, इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 भारत के पीवी सिंधु को रजत पदक मिला, तो निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण पदक मिला? हमारे देश की जो बैडमिंटन चैंपियंस हैं पीवी सिंधु, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है, तो गोल्ड मेडल किसे मिला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 58 का? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, कैरोलिना मरीन। देखिए पीवी सिंधु को पराजित करके स्पेन की हैं कैरोलिना मरीन, और इन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम जापानी बना है? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पता चलता है कि जो 2018 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है उसमें पुरुष का जो एकल खिताब जीता है वो कहाँ का जीता है, जापान का जीता है, लेकिन आपको पूछा गया है नाम, तो क्या है उसका सही नाम आपको बताना है। 59, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंतो मोमाता। केंको मोमाता पहले जापानीज हैं जो कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 पुरुष एकल का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 अगस्त को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 60, तो 60 का
सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिहार। देखिए फ्रेंड्स, इस स्कीम के तहत कन्या का जो जन्म होगा यानी गर्ल्स का जो जन्म होगा उस पे उसके स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने तक राज्य सरकार 54,100 रुपये प्रदान करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 5 अगस्त 2018 को ताशकंद स्थित लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक पर फूल चढ़ाए तो ताशकंद किस देश में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें पता चलता है कि विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज है हमारे देश की, और साथ ही साथ आपको यहाँ और पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक ताशकंद में भी है, और अब पूछा गया कि ताशकंद किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक आप सभी को पता होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। तो जिन लोगों ने बी को टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज आप इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उन सभी को भी बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसने ढाई आखर नाम से पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजन करने की घोषणा की है? किसके द्वारा ढाई आखर नाम से पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजन करने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 62। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय डाक विभाग। मैं बता दूं कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ढाई आखर प्रतियोगिता अपने देश के नाम थीम पर आयोजित की जा रही है। जो थीम है उसे भी आप नोट डाउन करेंगे, अपने देश के नाम थीम रखा गया है, और जिसका अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट जो है वह 30 सितंबर 30 सितंबर लास्ट डेट है। क्वेश्चन नंबर 63। न्यायमूर्ति एम के जोसेफ जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, नियुक्ति से पूर्व किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे? देखिए जो न्यायमूर्ति के एम जोसेफ हैं ये अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, लेकिन उसके पहले वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो कौन सा हाई कोर्ट है जहां के वो चीफ जस्टिस रह रहे थे? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट के वह चीफ जस्टिस थे। क्वेश्चन नंबर 64। न्यायमूर्ति गीता मित्तल किस राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? देखिए आपको यहाँ पे दो चीजें पता चलती है कि न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो है वह किसी भी राज्य की, जो राज्य यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है उसमें प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर यानी ऑप्शन बी। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल को किया गया है। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार 3 महिला न्यायाधीश हो गई हैं। तो न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में अभी 2 अन्य महिला न्यायाधीश कौन हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सभी को पता चला यहां से कि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की नियुक्ति के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार 3 महिला न्यायाधीश हो गई हैं, तो तीनों महिलाओं का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 65। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और साथ ही साथ न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी। इन तीनों ने इतिहास रच दिया एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर। क्वेश्चन नंबर 66। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित कृष्ण कुटीर क्या है? देखिए यहां दो चीजें पता चलती है फ्रेंड्स कि कृष्ण कुटीर जो है किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये महिला और बाल विकास द्वारा बनाया गया है, लेकिन अब किसके लिए है आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृंदावन स्थित विधवा आश्रम को कृष्ण कुटीर कहा गया है। आप याद रखिएगा कृष्ण कुटीर यानी कृष्ण का संबंध कहां से? तो वृंदावन से। तो वृंदावन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67। वर्ष 2017 का उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 67। तो 67 का सही जवाब क्या होगा? देखिए यहां पे वर्ष 2017 का पूछा गया है, 17 का डी सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। हाल में खबरों में रहा ट्रैक फीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स तो वहां पे आप फंस सकते हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़ें, जो भी स्टेटमेंट आपको दिए गए उसके बाद आंसर को टिक आउट कीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब?
तो 38 का सी बिल्कुल सही जवाब है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल है और इसके तहत जल, शौचालय और स्वच्छता का स्वास्थ्य वर्धक सेक्टर के वित्तीय की निगरानी की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69। लोकसभा में 3 अगस्त को पारित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक के तहत किस राज्य में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का प्रावधान है? और हमने आपको इसके लिए एक वीडियो दी थी जो करंट अफेयर्स की थी, उसमें हमने इसे एक्सप्लेन किया था। तो क्या होगा 69 का सही जवाब? तो 69 का सही जवाब बिल्कुल आ चुका है मणिपुर। और देखिए मणिपुर में जो ये राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी, इसके ब्रांच सभी राज्य में होंगे और राज्य में खोले जाएंगे, लेकिन जो उसकी डिग्री मिलेगी वो मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय से ही दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन का लक्ष्य 27 माह में ही प्राप्त कर लिया गया, इस लक्ष्य को कितने महीनों में पूरा किया जाना था? काफी अच्छी उपलब्धि है, इसे 36 माह में पूरा करना था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, लेकिन 27 माह में ही इसे क्या कर लिया गया, पूरा कर लिया गया। लेकिन इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जुड़ा हुआ है जिसे आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि लोकसभा की जो अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन, इनके द्वारा 3 अगस्त 2018 को इस योजना के तहत जो 5 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण करना था, तो जो लास्ट यानी 5 करोड़ जो फुलफिल करने वाला इंसान था वो कौन है? तो वो है दिल्ली का तकदीरन, और इसे दिया गया 5 करोड़वां गैस कनेक्शन, और ये दिया गया लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन के द्वारा। और इसी तरह से यह लक्ष्य जो है 27 माह में पूरा कर लिया गया, जिसे 36 माह में पूरा किया जाना था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 5 करोड़ जो निःशुल्क गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था वह कितने महीने में पूरा किया गया? तो 27 माह में किया गया। कितने महीनों में करना था? तो 36 महीनों में करना था। और जो लास्ट इंसान है जिस जो कि 5 करोड़ पूरा हुआ, और उस इंसान का क्या नाम है? तो है दिल्ली का तकदीरन, और किसके द्वारा दिया गया? तो लोकसभा की अध्यक्षा जो है सुमित्रा महाजन, उनके द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में रात्रि में ट्रैफिक पर लगे प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है, यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि बांदीपुर जो रिजर्व है वो टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए जाना जाता है, तो वह कौन से राज्य में पड़ता है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 71, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। और कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है? तो बेंगलुरु है। और आप सभी को पता है इसके सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? तो HD कुमार स्वामी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72। जुलाई 2018 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने बैंक खाते खोले गए? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 का सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 32 करोड़ 17 लाख खाते खोले गए। अब देखिए कुछ तथ्य मैं बता दूं कि जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं श्री प्रताप शुक्ला, इनके द्वारा जो लोकसभा में 3 अगस्त को एक सूचना दी गई और बताया गया कि जुलाई 2018 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 32 करोड़ 17 लाख बैंक खाते खोले गए हैं, और जिनमें 17 करोड़ महिला लाभार्थी यानी महिला का खाता है, और इस खातों में इन सभी खातों में जुलाई 2018 तक कुल 80,000 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने केंद्र सरकार से ऑक्सीटोसिन की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने की सलाह दी है, केंद्र सरकार ने किस कारण खुदरा दवा दुकानों पर इस जीवन रक्षक दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था? क्वेश्चन नंबर 73, तो 73 का सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन सी, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्र में इसका दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा किया गया था। देखिए जो केंद्र सरकार ने इस पर बैन किया था वो भी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर ही किया था, और उसके बाद सिर्फ कर्नाटक में स्थित एकमात्र जो PSU था एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, उससे ही खरीद करने के आदेश दिए थे। और ऑक्सीटोसिन जो है इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, और पोस्टमार्टम हैमरेज और बच्चे के जन्म के समय जो अत्यधिक रक्तस्राव होता है उस दशा में इस दवा का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, देश भर में कब पर्यटन पर्व का आयोजन किया जाएगा?
तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि अभी कमिंग है, अपकमिंग है, आने वाला है, तो इससे आप अपडेट रहिए पहले से ही। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 का सी बिल्कुल सही जवाब है, 16 से 27 सितंबर 2018 को। क्वेश्चन नंबर 75, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला एकल क्रोमोसोम ईस्ट या खमीर सृजित किया है? क्या होगा इसका सही जवाब? यूएसए, यूके, जापान या फिर चीन? क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 का सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। और देखिए चीन का जो कैपिटल है फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने बता दिया है, बीजिंग है, और सबसे बड़ा जो सिटी वहां का है वह है संघाई। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो शी जिनपिंग है, और जो करेंसी चलती है रेनमिन्बी भी और युआन चलता है। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य की प्राप्ति में भारत में कितने जीवन को बचाया जा सकता है? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक रिपोर्ट है, और उसमें पूछा गया है कि अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य की प्राप्ति से भारत में कितने जीवन को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, 3 लाख। ठीक है, अभी WHO की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया। क्वेश्चन नंबर 77, द व्हील ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? और इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है, क्या होगा इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। तो 77 का ए बिल्कुल गलत जवाब है, जिन लोगों ने बोला है बी उन सभी का जवाब सही है, वीरप्पा मोइली। और वीरप्पा मोइली हमारे देश के पूर्व कानून मंत्री हैं और एक कांग्रेस के नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 1 अगस्त 2018 को भौगोलिक संकेतक GI का लोगो और स्लोगन का अनावरण किया, तो GI का स्लोगन क्या है? और इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया है, तो आई विश कि आप सभी इसका जवाब दे देंगे। तो क्या होगा इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी ऑप्शन बी। अब देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स होता क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो एक ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा सिंबल होता है जो वस्तुओं की पहचान को एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जिसमें कृषि भी आती है, प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं या फिर विनिर्मित वस्तुएं आती हैं, ये सभी होते हैं। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वैसे जो कि भौगोलिक नाम, जो कि उत्पाद के उद्भव जहां से उसका उत्पादन होता है उस स्थान को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, जैसे कि दार्जिलिंग वहां से चाय हमें मिलती है, तो उस तरह से ये हो गया भौगोलिक नाम। और दूसरा होता है गैर भौगोलिक नाम, इसमें गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम के अंतर्गत आता है, और इसमें यह बताता है कि उत्पाद जो है किसी एक क्षेत्र के विशेष क्षेत्र से संबंध रखता है, समृद्ध है, जैसे कि बासमती चावल है या फिर बंगाल से समृद्ध रखता है रसगुल्ला, तो वहाँ का वो GI हो गया, ज्योग्राफिकल इंडेक्स हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 है, लोकसभा ने 2 अगस्त 2018 को 123वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया, तो इस विधेयक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 79, तो 79 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा, यानी OBC को संवैधानिक दर्जा से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको जरूर पता चली कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग जो है इसका संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसके लिए जो संशोधन हुआ है वो हुआ है 123वां संविधान संशोधन। और कब इसे पारित किया गया, विधेयक संबंध में जो पारित किया गया वो किया गया 2 अगस्त 2018 को लोकसभा में। तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूव हैक नामक हैकथन का शुभारंभ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80, क्या होगा इसका सही जवाब? तो 80 का जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वो होगा नीति आयोग। ठीक है, देखिए नीति आयोग ने भारत में गतिशीलता के भविष्य के उद्देश्य से वैश्विक गतिशीलता हैकथन मूव हैक नामक एक क्या हैकथन का शुभारंभ किया है, और ये जो होगा विश्व स्तर पर सबसे बड़े हैकथन में से एक होगा,
और आपको याद रखना चाहिए कि मूव हैक्स में 10 विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ये जो है सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसका जो संचालन है वो हैकर अर्थ द्वारा किया जाना है और कार्यक्रम में जो PwC जो होगा वो ज्ञान का भागीदार होगा और निस्कॉम जो होगा वो रणनीति साझेदार होगा। इसके साथ साथ आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स से जुड़े मैं बता दूं कि नीति आयोग द्वारा 7 और 8 सितंबर 2018 को आयोजित मूव शिखर सम्मेलन जो होगा 2018 का, उसमें विजेताओं की घोषणा की जाएगी और इसका उद्घाटन जो किया जाएगा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो 10 विनर होंगे उनको 2 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे, साथी पहल निम्नलिखित में से किस सेक्टर के लिए आरंभ की गई है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या होगा, 81 का सही जवाब, तो 81 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पावर लूम। देखिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय ने पावर लूम सेक्टर में ऊर्जा कुशल कपड़ा प्रौद्योगिकी के लिए साथी पहल का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है कंप्लीट होता है और आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आप हमें अनअकैडमी में फॉलो कीजिए जिससे आपको वहाँ पर यूजफुल वीडियो मिलता रहे और हमने ऑलरेडी वहाँ पर बहुत से वीडियो दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं और पसंद आया तो आप हमें रेटिंग के तौर पे वहाँ पे 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।